हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो राइटर है और उनकी जो फैमिली है, उनको कैसे ब्रूनो मिला, कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे ब्रूनो को उन्होंने एक पेट एनिमल बना लिया और यहाँ पे वो पूरे घर में अब एंजॉय करने लगा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें खाने और पीने लगा है। दोस्तों, आगे हम स्टडी करने वाले हैं फन विद ब्रूनो कि यहाँ पे जो ब्रूनो है वो क्या क्या शैतानियां करता है, उन शैतानियों की वजह से उसके साथ क्या हो जाता है, चीजों को ठीक कैसे किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शुरू करते हैं। One day an accident befell him. देखिए, बताया गया है कि एक दिन एक कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से दोस्तों जो ब्रूनो है उसको बहुत ज्यादा वहां पे नुकसान पहुंचता है। क्या हुआ? I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. देखिए दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे जो राइटर है उनकी लाइब्रेरी के अंदर कुछ चूहे घुस आए थे, उनको मारने के लिए वो जहर लाए। जहर क्या था? बेरियम कार्बोनेट था दोस्तों। तो उन्होंने वो टेबल पे रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। दोस्तों, ब्रूनो जो कि उनका स्लॉथ बियर है, पेट बियर है, उसने क्या किया दोस्तों, वहां पे लाइब्रेरी के अंदर वो घुस आया, जो कि बहुत बारी वो घुस भी आता था, और वहां पे वो जो टेबल पे पॉइजन रखा हुआ था उसने वो थोड़ा सा पॉइजन खा लिया। दोस्तों, जहर खा लिया, उसकी डेथ हो सकती है। देखिए क्या हुआ, पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। दोस्तों, एकदम उस जहर की वजह से जो ब्रूनो है वो पैरालाइज हो गया, यानी कि वो अपनी बॉडी को खुद मूव नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्स टू माय वाइफ हु कॉल्ड मी। पर उसने किसी तरीके से खुद को थोड़ा सा घिसाट घिसाट कर वो राइटर की वाइफ के पास चला गया, और फिर राइटर की वाइफ ने बेसिकली राइटर को बुला लिया कि यहाँ पे जो ब्रूनो है उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों देखिए, आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, यहाँ पे जो राइटर है उनको एकदम समझ आ गया था कि हुआ क्या है, इसने गलती से वो जहर खा लिया होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट। एकदम जो राइटर है वो ब्रूनो को अपने साथ लेकर जो वेटनरी डॉक्टर होता है दोस्तों, वो डॉक्टर जो कि एनिमल्स का ख्याल रखता है, उनको ठीक करता है, वो जल्दी से उस वेटनरी डॉक्टर के पास ब्रूनो को ले गए। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। दोस्तों एकदम जैसे ये राइडर उस वेटनरी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, वो उसको बताते हैं कि यहाँ पे एक पॉइजनिंग का केस है, ये एक शांत बियर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसने बेरियम कार्बोनेट, एक जहर पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एकदम मुझे डॉक्टर ने उसने क्या किया, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसने अपनी सारी जो भी मेडिकल बुक्स हैं उनको निकाला, एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और यहाँ पे जो भी उसका इंडेक्स है, सारे कॉन्टेंट्स है, उसने उसको पढ़ना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बेरियम कार्बोनेट। आह यस, बी BA, barium salts, barium carbonate. देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो बेसिकली जो वेटरनरी डॉक्टर है वो अपने इंडेक्स की बुक में देख रहा है कि जो बेरियम कार्बोनेट अगर जहर कंज्यूम कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इसीलिए वो अपने कंटेंट्स में पहले बी पे गया, फिर बी ए, और फाइनली उसको बेरियम सॉल्ट के अंदर बेरियम कार्बोनेट मिल गया। अब देखिए वो क्या देख रहा है, सिम्टम्स पैरालिसिस, यानी कि जब भी बेरियम कार्बोनेट को अगर हम कंज्यूम करें, एनिमल्स कंज्यूम करें, तो उनको पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं कोई, तो यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहर की वजह से ही वो पैरालिसिस हुआ है। ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ डैश डैश डैश, यानी कि दोस्तों यहां पे जो ट्रीटमेंट है वो पता लग चुका है कि कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, मेडिसिन देनी है, उसका इंजेक्शन देना है जिससे कि इस चीज को ट्रीट किया जा सकता है। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन, यहां पे डॉक्टर कहता है कि एक मिनट रुको बस, मैं वो इंजेक्शन लेके आया और साथ में जो भी मेडिसिन देनी है मैं वो लेकर आया। अ डैश बैक टू द कार, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है वो अभी तक ब्रूनो को हॉस्पिटल के अंदर नहीं लेकर आए थे, वो हॉस्पिटल में पहले तो सिर्फ ये पता करने गए थे कि इस चीज का ट्रीटमेंट है या नहीं। जब उनको पता चला कि ट्रीटमेंट है, वो एकदम जल्दी से अपनी कार के पास वापस गए, क्योंकि कार के अंदर ब्रूनो है। Bruno still floundering about on his stumps. यहाँ पे जो Bruno है वो अभी भी दोस्तों कांप रहा है। Floundering का मतलब है कि वो मूव करने की थोड़ी स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो थोड़ा सा हिल पाए। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, पर दोस्तों क्लियरली पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे और ज्यादा वीक होता जा रहा है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो चुकी है। सम वॉमिटिंग, वो थोड़ी सी वॉमिटिंग भी कर रहा है। हैवी ब्रीदिंग विद हीवी फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, यहाँ पे उसको जोर जोर से थोड़े सांस चढ़ रहे हैं। हीविंग फ्लैंक यानी कि वो अपनी साइड बॉडी को थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रहा है, एंड गेपिंग माउथ यानी कि जो उसका माउथ है वो बहुत बड़ा वो खोलने की भी कोशिश वहां पे कर रहा है। होल्ड हिम एवरीबॉडी, वहां पे डॉक्टर कहता है कि जल्दी से इसको पकड़ लो। इन गोस द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स, यहाँ पे दोस्तों एकदम उसको इंजेक्शन दिया जाता है। हाइपोडर्मिक का मतलब है बेसिकली वो इंजेक्शन वाली जो ट्यूब होती है उसको कहा गया है। ब्रूनो स्क्वील्स यानी कि ब्रूनो एक बार के लिए थोड़ा सा चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। दोस्तों जो भी मेडिसिन है, एंटीडोट मतलब वो जो भी जहर है उसको खत्म करने के लिए जो मेडिसिन है उसकी बात की गई है। 10 cc का मतलब है दोस्तों यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, बेसिकली उस क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि 10 cubic centimeter उसको वो जो दवाई है वो दी गई और एक भी ड्रॉप को वेस्ट नहीं किया गया, सारी उसकी बॉडी के अंदर वो दवाई जा चुकी है।
10 minutes later, condition unchanged. दोस्तों 10 मिनट बीत चुके हैं पर यहाँ पे ब्रूनो की कंडीशन में अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है. वो अभी भी खुद को मूव नहीं कर पा रहा है. अनदर 10 cubic centimeter इंजेक्टेड. दोस्तों क्योंकि ज्यादा असर नहीं आया था, कोई भी वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए 10 cubic centimeter की डोजेज उसी दवाई की यहाँ पे ब्रूनो को दोबारा दी गई. 10 minutes later, breathing less stertorous, Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. देखिए दोस्तों, अब जब second dosage थी, उसके 10 minutes बाद दोस्तों, यहाँ पे जो Bruno है, उसकी सांस की आवाज थोड़ी कम होने लगी. Stertorous का मतलब है जो noisy breathing है, वो थोड़ी सी reduce होने लगी. अब यहाँ पे जो Bruno है, वो अपने arms को, अपनी legs को, अब थोड़ा सा move कर सकता है, पर खड़ा वो अभी भी नहीं हो पाया है. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. दोस्तों 30 मिनट बाद जो ब्रूनो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और अच्छे से पेट भर के वो वहां पर खाना भी खाता है. He looks at us disdainfully. वो यहाँ पे discouragedly इन सब की तरफ देखता है. उसको यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं. उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था. As much as to say, what barium carbonate to a big black bear like me, Bruno is still eating. दोस्तों ऐसा लग रहा था कि जो ब्रूनो है वो कहना चाहता है कि बेरियम कार्बोनेट मेरा क्या बिगाड़ सकता है, और फिर भी अब वो खाना उसने कंटिन्यू कर दिया है. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल व्हिच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड ब्रेकर एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द एंड रोड्स ऑफ डेड माइंस. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे राइटर हमें एक अलग इंसिडेंट बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्रूनो है एक बार उसको 1 gallon यानी कि दोस्तों रफली 4 liter उसको वहां पे इंजन ऑयल मिल गया. किसी गाड़ी का जो इंजन ऑयल होता है उसको वो रखा हुआ मिल गया. दोस्तों वो एक्चुअली जो इंजन ऑयल है वो राइटर ने अपनी गाड़ी के उस कंटेनर से निकाला था जहां पे ऑयल रखा जाता है. सम का मतलब है वो ऑयल वाला जो कैन होता है वहां से उस इंजन ऑयल को निकाला गया था. तो इसीलिए उसको कहीं पर रखा था. क्यों रखा था? क्योंकि उनके घर में टर्माइट्स थे. दोस्तों टर्माइट्स का मतलब है बेसिकली दीमक थी. उस दीमक से लड़ने के लिए उस इंजन ऑयल को निकाला गया था. और ब्रूनो ने क्या किया दोस्तों, देखिए, ही प्रॉम्प्टली ड्रंक द लॉट. उसने वो पूरा 4 liter दोस्तों इंजन ऑयल वो सारा का सारा पी गया. बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर. पर इस बार उसको कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक था, उसको कुछ भी असर नहीं पड़ा. द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड गॉन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम. दोस्तों मंथ्स बीत गए, महीने बीत गए और यहाँ पे जो ब्रूनो है उसका जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा. वो जितना पहले आया था बहुत छोटा था और वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. डबल ट्रिपल साइज का वो हो चुका है. ही हैड इक्वल द एल्शियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम. दोस्तों उनके घर में जो मैं आपको बताया था कि 2 pet dog भी हैं, उनकी ब्रीड क्या है, वो दोनों एल्सेशियन है. उन एल्सेशियन की जो हाइट है दोस्तों काफी बड़ी होती है. उनकी हाइट से भी ज्यादा बड़ा अब ये ब्रूनो हो चुका है. बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्टीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. पर वो जब आया था जितना वो शैतान था, जितना स्वीट था, जितना वो खेलता था, अभी भी वो बिल्कुल वैसा ही है. उसका साइज बड़ा हुआ है पर वो क्यूट और इतना शैतान वो अभी भी है. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू. और दोस्तों जहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता था. स्पेशली जो यहाँ पे राइटर की वाइफ है वो राइटर की वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था और राइटर की वाइफ को भी ब्रूनो बहुत ज्यादा पसंद था. शी हैज चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे क्या किया गया, जो राइटर की वाइफ थी उन्होंने ब्रूनो का नाम चेंज कर दिया. पहले वो जो स्लॉथ बियर था उसका ब्रूनो नाम रखा था, अब उसका नाम बाबा रख दिया गया जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है जिसका मतलब होता है एक छोटा बच्चा. तो इसीलिए बाबा उसका अब नाम रख दिया गया था. And he could do a few tricks too. अब धीरे-धीरे ये जो बाबा है, ये कुछ tricks भी करने लग गया था. जैसे कि दोस्तों, at the command, Baba wrestle और Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. देखिए दोस्तों, अगर उसको कमांड दी जाए कि यहाँ पे बाबा रेसल या बाबा बॉक्स यहाँ पे लड़ाई करो, जो भी उसके सामने आता था वो उससे अच्छी खासी वहां पे लड़ाई करता था, मुक्काबाजी करता था और उनको हरा भी देता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. अगर उसको कहो एक स्टिक देकर कि बाबा गन, एकदम दोस्तों गन की तरह वो स्टिक को आपकी तरफ पॉइंट भी कर सकता है. आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी. अगर उसे कहा जाए कि बाबा यहाँ पे बच्चा कहां पर है, बेबी कहां पर है, तो वो क्या करता है? ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रैडल अफेक्शनेटली अ स्टंप ऑफ वुड व्हिच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड. वो क्या करता था, एक वुड का पीस लाता था और उसको अपने साथ झुलाता था. ये सिग्निफाई करने के लिए कि वो वहां पर किसी बेबी को झुला रहा है. और दोस्तों वो जो वुड का पीस है वो उसने अपने बेड के अंदर बहुत ही अच्छे से छुपाया हुआ था. कंसील्ड का मतलब उसको हिडन रखा हुआ था. और दोस्तों क्रैडल का मतलब है वो उसको झुला रहा था.
but because of the tenant's children, poor Bruno और Baba had to be kept chained most of the time. देखिए दोस्तों, उनके घर में किरायेदार भी रहते हैं, किरायेदार के छोटे बच्चे हैं, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो Bruno है, यहाँ पे जो बाबा है जिसका नाम चेंज कर दिया गया था, वो जो स्लॉथ बियर है बेसिकली, उसको चेन से बांध के रखना पड़ता था. दोस्तों ये चीज उनको पसंद तो नहीं थी, पर क्योंकि वहां पे किरायेदार है, उनके बच्चे हैं, उनको सेफ रखने के लिए यहाँ पे बियर को बांध के भी रखना पड़ता था, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था. तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट में स्टडी किया फन विद Bruno, कि कैसे जो Bruno है वो अलग अलग वहां पर शैतानियां कर रहा है, कैसे उसने पहले जहर को पी लिया, फिर इंजन ऑयल पी लिया, और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे हमने अलग अलग इंसिडेंट्स देखे कि कैसे वो कमांड्स को भी उसने फॉलो करना शुरू कर दिया है. काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों. अब आगे हम स्टडी करने वाले हैं बाबा इन द जू, कि यहां पे दोस्तों क्यों, यहां पे कैसे जो हमारा Bruno है, बाबा है, उसको एक जू में भेज दिया जाता है. दोस्तों ऐसा क्यों किया जाता है, और जू में जाने के बाद बाबा को कैसा लगता है, हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं, तो डाउनलोड करिए PUSTECH ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTECH ऐप.